गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू पोयम नंबर 4। द टाइटल ऑफ द पोयम इज फ्रॉम एन हिंदी रिटेलिंग कंट्री चर्चा। एज यू नो स्टडी आई हैव टीच यू लेसन नंबर 4 फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड। नाउ आई एम गोइंग टू गिव द एक्सप्लेन ऑफ द स्टैंडर्ड नंबर 4। देखिए, लेट नॉट एम्यूशन कहां से है? लेट नॉट एम्यूशन टू द गेम, ये आपका इंडिकेशन है। लास्ट स्टैंड आपका चल रहा है, देखिए, लेट नॉट एम्यूशन मॉक देयर यूजफुल टॉय। Their homely toys and destiny of store, nor grandeur here with a disdainful smile. The salt and simple annals of the poor, the boast of hilarity, the pomp of power, and all that beauty, all that wealth were due, awaits like the inevitable, or the path of glory lead but to the grave. कॉन्टेक्स्ट पहले देखिए आप वहां से कि द फर्स्ट स्टैंजा इज अबाउट द इवनिंग टाइम, सेकंड स्टैंजा इज अबाउट द नाइट, एंड द लास्ट स्टैंजा द थर्ड स्टैंजा वाज अबाउट द मॉर्निंग टाइम। एज यू नो द मॉर्निंग टाइम द कोल्ड एंड प्लेजर एयर इज ब्लोइंग, विंड इज ब्लोइंग, एंड द कॉक इज कॉकिंग, एंड द हंटर इज ब्लोइंग देयर हॉर्न। और बाकी आप और देखिए, बट द बर्ड्स आर ट्वीटिंग एंड चिरपिंग फ्रॉम देयर नेस्ट, बट पोएट वॉज असेम टू मच दैट द देयर फोर फादर्स देयर एंसेस्टर्स हु वर बरीड अंडर द ग्रेव दे डू नॉट वॉन्ट टू अवेक, दे आर स्लीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट दीज आर द सिंबल ऑफ द मॉर्निंग टाइम, ऑल्दो दे डू नॉट नो दैट द मॉर्निंग हैज कम। These are the symbol of the morning time, but those ancestors who are buried under the graves do not know that the morning is about. Okay, ये आपका context था। अब आइए आप explain देखिए। Let not ambition mock their useful toil. Let not ambition. हमें उन ambition माने महत्वाकांक्षी, हमें उन महत्वाकांक्षी लोगों का mock माने मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। द यूजफुल ट्वेल्व माने हार्ड वर्क, जिन्होंने इतना अधिक कठिन परिश्रम किया है, हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दे आर होमली जॉयज, उनके आनंद मनाने का तरीका कैसा था? बिल्कुल घरेलू था। जैसे आप लोग मूवी देखने जाते हो, रेस्टोरेंट जाते हो, ऐसे गांव के लोग ये सब कहीं नहीं जाते। वो केवल अपना वही खेतों हाट तक जाना, उनका पगडंडी पगडंडी जाना, उनका सारा इंजॉय वही होता था। आजकल के तरीके के उनके इंजॉयमेंट नहीं होते थे। उनका चौपाल लगा लेना, चौपाल के साथ बैठ जाना और पगडंडी पगडंडी होते हुए खेतों में चले जाना, यही उनके होमली जॉयज, मतलब बिल्कुल घरेलू उनके आनंद मनाने का तरीका था। इसीलिए कहना है कि हमें उन महत्वाकांक्षी, जबकि आपको सबको मालूम है अगर किसान लोग अन्न ना उपजाएं तो क्या ये रईस लोग जितने हैं सब पैसे दे के खरीदते हैं? कोई खरीद पाए? कोई नहीं खरीद पाए। तो मेहनत कौन करते हैं? असलियत में मेहनत तो वही करते हैं। अमीर तो सिर्फ खरीद के खाते हैं, लेकिन अगर वो ना करें इतनी मेहनत तो फिर क्या वो पैसे से खरीदने से मिले? नहीं मिले। तो वही कह रहे हैं कि लेट नॉट एम्यूशन मॉक देयर यूजफुल टॉय, हमें उनके कठिन परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देयर होमली जॉयज, उनके आनंद मनाने का तरीका घरेलू है, बिल्कुल सिंपल था, एंड डेस्टिनी ऑफ स्टोर, और उनका भाग्य भी जो था उनके पक्ष में नहीं था। इसका कहने का सेंस ये है कि देखिए, हम गरीबों को लोग, किसानों को लोग आंकते नहीं है, जबकि किसान बहुत मजबूत होता है। किसान का मतलब गांव के लोग बड़े मजबूत होते हैं, लेकिन लोग आंकते नहीं है। अभी आप ट्रेन में जाइए तो एक किनारे पुटिया रखे बैठे होंगे जमीन में, समझा? और लेकिन उनकी ठेठी में बहुत सारे पैसे बंधे होंगे, रुपए बंधे होंगे, और अमीर आपको दिखाई देंगे अप टू डेट, चाहे जेब में उनके पैसे घले ही ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि और डेस्टिनी ऑफ स्टोर। और अच्छा, एक ही बात बताइए, जब हम लोग किसान को बहुत गरीब देखते हैं ट्रेन में या कहीं पर भी, तो देख के यही अंदाजा लगता है ना, ये गरीब होगा लगता है ना, लेकिन होते नहीं हो गरीब। तो कहते हैं डेस्टिनी ऑफ स्टोर, शायद भाग्य भी उनके पक्ष में नहीं था।
नॉट ग्रेजुअर हियर विद ए डिस्टेंस। देखिए शॉर्ट एंड सिंपल अनाउंस ऑफ द पुअर, फिर भी उन गरीबों के जो कार हैं वो बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में हमारे इतिहास में लिखे हुए हैं। द शॉर्ट एंड सिंपल अनाउंस ऑफ द पुअर मतलब रिकॉर्ड जो है उन गरीबों के बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखे हुए हैं। लास्ट स्टैंजा है आपका यहाँ से, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोथ आर, लेट नॉट रेमिशन से पुअर तक का भी इम्पोर्टेंट है, द बोस्ट ऑफ हिलाड्री ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उनके नाम और उनकी फेम, उनकी प्रसिद्धि और उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में हमारे इतिहास में लिखा हुआ है। द बोस्ट ऑफ हिलाड्री द पंप ऑफ पावर, वो बोस्ट ऑफ हिलाड्री हमें ऊंचे कुल में जन्म लेने के की सेख ही नहीं बघारनी चाहिए। बोस्ट माने सेख ही बघारना। यू शुड नॉट प्राउड ऑफ अवर हाई क्लास फैमिली, हमें ऊंचे कुल में जन्म लेने के लिए के बारे में सेख ही नहीं बघारनी चाहिए। द पंप ऑफ पावर, ना तो अपनी पावर का आडंबर करना चाहिए। जैसे एक किसी मंत्री का बेटा होगा तो क्लास के अंदर वो पढ़ेगा नहीं, वो क्या दिखाएगा, नक्शेबाजी दिखाएगा ना कि अरे हम तो पास हो ही जाएंगे, ये क्या होता है ना दुनिया में कई सब काम। तो ये अब अगर आपके पास बहुत अच्छी पावर है तो भी आप उसको शो ना करिए। आपकी पावर है ठीक है, लेकिन जहां पर आप सबके समान हो वहां पर आपको अपनी पावर कभी शो नहीं करनी चाहिए। कहते द पोस्ट ऑफ हिलाड्री, हमें ऊंचे कुल में जन्म लेने की सेखी नहीं बघारनी चाहिए। द पंप ऑफ पावर, ना तो अपने अधिकारों का आडंबर करना चाहिए। एंड ऑल दैट ब्यूटी, जो कुछ भी इस संसार में सुंदरता है, ऑल दैट वेल्थ वर्गो, और जो भी हमें संपत्ति प्राप्त हुई है, अवेट्स अलाइक द इनवाइटेबल आर्म, वो हमारे अंतिम समय तक कहां पर हमारे पास नहीं रह जाएगी। अवेट्स अलाइक द इनवाइटेबल आर्म, इनवाइटेबल आर्म एट द डेथ टाइम, मृत्यु के समय ये सब मेरे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, ये सब मृत्यु के समय मेरे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, लेकिन मेरे गौरव का, मेरे वैभव का जो रास्ता है वही मुझे समाधि तक ले जाएगा। मतलब मेरे पास बहुत संपत्ति है, बहुत अधिकार है, बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत पैसा है, ये सब कुछ भी मेरे साथ मृत्यु तक नहीं जाता है। मृत्यु से अगर कुछ जाता है तो सिर्फ मेरे कर्म और उनका जो फल होगा बस वही जाएगा। द पाथ ऑफ ग्लोरी, हमारे वैभव का जो रास्ता है वही हमें कहाँ तक ले जाएगा, मृत्यु तक ले जाएगा, यानी ग्रेव तक, समाधि तक, हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म ही जाएंगे। देखिए हिंदी आई समझ में, इंग्लिश चले। इन द लास्ट स्टैंजा, देखिए आपके ये दोनों स्टैंजा एक साथ दिए, जबकि एग्जाम में ये केवल चार चार लाइन के दो आते हैं, तो जब लास्ट स्टैंजा हम करते हैं द कंक्लूडिंग स्टैंजा करके करते हैं, लेकिन ये हमारा हम अब दोनों ये आपके एक साथ दिए तो भी एक साथ पढ़ा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में चार चार लाइन के आते हैं दोनों। इन द कंक्लूडिंग स्टैंजा पोएट टेल्स अस दैट अवर फोर फादर्स वर वेरी सिंपल एंड वेरी कैसे थे, वेरी सिंपल एंड वेरी सिंपल लाइफ, दे लीड देयर लाइफ सिंपली, दे वर वेरी सिंपल एंड देयर लाइफ वॉज ऑल्सो वेरी सिंपल, वो भी सिंपल थे और देयर लाइफ वॉज ऑल्सो वेरी सिंपल। सो पोएट सेज दैट वी शुड नॉट लव एट टू अवर फोर फादर्स, टू अवर एंसेस्टर्स हु वर डूइंग हार्ड वर्क फॉर अस, हु वर डूइंग हार्ड वर्क फॉर अस, देयर वर्क वॉज वेरी हार्ड, देवर हार्ड लेबर, देयर वे ऑफ एंजॉइंग वॉज होमली, देयर वे ऑफ एंजॉयमेंट वॉज ऑल्सो सिंपल, देयर होमली जॉयस यानी देयर द वे ऑफ एंजॉयमेंट वॉज वेरी सिंपल, या देयर जॉयस वर वेरी सिंपल होमली, एंड द फेट वॉज नॉट इन फेवर ऑफ एंड द फेट वॉज नॉट इन फेवर ऑफ देम, नॉट ग्रैंड वी शुड नॉट मेक देम स्माइल, देयर वर्क एंड देयर सोसाइटी, देयर कंपनी, वी शुड नॉट लाफ एट देम, ऑल्दो दे वर वेरी पुअर, दे वर हार्ड वर्किंग, देयर वेज ऑफ एंजॉयमेंट वर वेरी सिंपल, बट देयर नेम एंड फेम इज रिकॉर्डेड इन अवर हिस्ट्री इन गोल्डन वर्ड्स, ऑल्दो दे वर वेरी पुअर, दे वर वेरी सिंपल, देयर वे ऑफ एंजॉयमेंट वॉज ऑल्सो वेरी सिंपल, दे वेयर वेरी सिंपल क्लॉथ,
बट देयर नेम एंड फेम इज रिकॉर्डेड इन अवर हिस्ट्री इन गोल्डन वर्ड्स। देखिए, शॉर्ट एंड सिंपल अन्नास ऑफ द पुअर, फिर भी उन गरीबों के जो कार हैं वो बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में हमारे इतिहास में लिखे हुए हैं। द शॉर्ट एंड सिंपल अन्नास ऑफ द पुअर मतलब रिकॉर्ड जो है उन गरीबों के बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखे हुए हैं। लास्ट संज्ञा है आपका यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बोथ आर लेट नॉट रेमिशन से पुअर तक का भी इम्पोर्टेंट है, द बोस्ट ऑफ हिलाड्री ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उनके नाम और उनकी फेम, उनकी प्रसिद्धि और उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में हमारे इतिहास में लिखा हुआ है। द बोस्ट ऑफ हिलाड्री द पंप ऑफ पावर, वो बोस्ट ऑफ हिलाड्री हमें ऊंचे कुल में जन्म लेने के की सेखी नहीं बघारनी चाहिए। बोस्ट माने सेखी बघारना। यू शुड नॉट प्राउड ऑफ अवर हाई क्लास फैमिली, हमें ऊंचे कुल में जन्म लेने के लिए के बारे में सेखी नहीं बघारनी चाहिए। द पंप ऑफ पावर, ना तो अपनी पावर का आडंबर करना चाहिए। जैसे एक किसी मंत्री का बेटा होगा तो क्लास के अंदर वो पढ़ेगा नहीं, वो क्या दिखाएगा, नक्शेबाजी दिखाएगा ना कि अरे हम तो पास हो ही जाएंगे, ये क्या होता है ना दुनिया में कई सब काम। तो ये अगर आपके पास बहुत अच्छी पावर है तो भी आप उसको शो ना करिए। आपकी पावर है ठीक है, लेकिन जहां पर आप सबके समान हो वहां पर आपको अपनी पावर कभी शो नहीं करनी चाहिए। कहते द पोस्ट ऑफ लॉटरी, हमें ऊंचे कुल में जन्म लेने की सेखी नहीं बघारनी चाहिए। द पंप ऑफ पावर, ना तो अपने अधिकारों का आडंबर करना चाहिए। एंड ऑल दैट ब्यूटी, जो कुछ भी इस संसार में सुंदरता है, ऑल दैट वेल्थ वर्गो, और जो भी हमें संपत्ति प्राप्त हुई है, अवेट्स अलाइक द इनवाइटेबल आर्म, वो हमारे अंतिम समय तक कहां पर हमारे पास नहीं रह जाएगी। अवेट्स अलाइक द इनवाइटेबल आर्म, इनवाइटेबल आर्म एट द डेथ टाइम, मृत्यु के समय ये सब मेरे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, ये सब मृत्यु के समय मेरे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, लेकिन मेरे गौरव का, मेरे वैभव का जो रास्ता है वही मुझे समाधि तक ले जाएगा। मतलब मेरे पास बहुत संपत्ति है, बहुत अधिकार है, बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत पैसा है, ये सब कुछ भी मेरे साथ मृत्यु तक नहीं जाता है। मृत्यु से अगर कुछ जाता है तो सिर्फ मेरे कर्म और उनका जो फल होगा बस वही जाएगा। द पाथ ऑफ ग्लोरी, हमारे वैभव का जो रास्ता है वही हमें कहाँ तक ले जाएगा, मृत्यु तक ले जाएगा, यानी ग्रेव तक, समाधि तक, हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म ही जाएंगे। देखिए, हिंदी आई समझ में, इंग्लिश चले। इन द लास्ट स्टैंजा, देखिए आपके ये दोनों स्टैंजा एक साथ दिए, जबकि एग्जाम में ये केवल चार चार लाइन के दो आते हैं, तो जब लास्ट स्टैंजा हम करते हैं द कंक्लूडिंग स्टैंजा करके करते हैं, लेकिन ये हमारा हम अब दोनों ये आपके एक साथ दिए तो भी एक साथ पढ़ा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में चार चार लाइन के आते हैं दोनों। इन द कंक्लूडिंग स्टैंजा पोएट टेल्स अस दैट अवर फोर फादर्स वर वेरी सिंपल एंड वेरी कैसे थे, वेरी सिंपल एंड वेरी सिंपल लाइफ, दे लीड देयर लाइफ सिंपली, दे वर वेरी सिंपल एंड देयर लाइफ वॉज ऑल्सो वेरी सिंपल, वो भी सिंपल थे और देयर लाइफ वॉज ऑल्सो वेरी सिंपल। सो पोएट सेज दैट वी शुड नॉट लॉव्ड एट टू अवर फोर फादर्स, टू अवर एंसेस्टर्स हु वर डूइंग हार्ड वर्क फॉर अस, देयर वर्क वॉज वेरी हार्ड, देवर हार्ड लेबर, देयर वे ऑफ एंजॉइंग वॉज होली, देयर वे ऑफ एंजॉयमेंट वॉज ऑल्सो सिंपल, देयर होमली ज्वाइस यानी देयर द वे ऑफ एंजॉयमेंट वॉज वेरी सिंपल या देयर ज्वाइस वर वेरी सिंपल होमली, एंड द फेट वॉज नॉट इन फेवर ऑफ एंड द फेट वॉज नॉट इन फेवर ऑफ देम नॉट एंड वी शुड नॉट मेक देम स्माइल देयर वर्क and their society, their company, we should not laugh at them. Although they were very poor, they were hard working, their ways of enjoyment were very simple, but their name and fame is recorded in our history in golden words. Although they were very poor, they were very simple, their way of enjoyment was also very simple, they wear very simple clothes,
बट देयर नेम एंड फेम इज रिकॉर्डेड इन अवर हिस्ट्री इन गोल्डन वर्ड्स।